जिसके लिए इन्होंने जॉब नहीं मिली है इस्लामिया में, आज के दिन पे लोगों को जॉब नहीं मिलना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी मैंने, क्यों? क्योंकि उनके पास एक आप वो स्किल्स वो टैलेंट है कि जहां भी जाएंगे काम है उनके पास, आज के कितना काम है इतना काम है, एक हफ्ते से हम साथ में रह रहे हैं वो लगातार काम में लगी पड़ी है। तो एक जरूरी चीज जो आपको समझनी है कि आपको एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, आपको दूसरों से अपने काउंटर पार्ट जो बॉयज हैं उनसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पहला जब आपको ये समझ में आएगा तो फिर सवाल है कि मेहनत कैसे करनी है। तो एक बहुत अच्छे कैंपस में आप, इतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल रहा है, इतने सारे प्रोग्राम आपके यहाँ पे होते हैं, तो सब लोग ऐसे एक्सपोजर देते ही हैं। उसके अलावा जैसे अभी जो जो बच्चियाँ 11th और 12th में हैं, अभी मार्क्स वाला मैंने बता दिया कि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी उन्हें कह दिया कि हम एंट्रेंस दें, ठीक है, हर जगह ले रहे हैं। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन की बात कर रही थी, जो कहती है मैं डॉक्टर बनना है, जो हर चीज में एंट्रेंस होता है वो एक अलग तरह की मुझे स्किल्स मांगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जरूरी ये सारी चीजें कि आपको ऐसे जो एवेन्यूज हैं जहाँ आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर वाला सवाल हो, लैंग्वेज वाला सवाल हो, जैसे आजकल रीजनिंग चल रही है, आजकल हर एग्जाम में लगभग रीजनिंग जैसी कोई चीजें पूछी जा रही हैं, आपके नवदय के एग्जाम में भी आएगी, याद होगा आपको जब आप पढ़ रहे थे, अभी टेंथ में आप एनटीएस दोगे तब भी आएगा, ऐसे किसी भी एग्जाम में जाओगे वो चीजें पूछी जाती हैं। और दूसरा आप लोगों का जो पद में है उनका एक मुझे लगता है ये जरूरी होना चाहिए टारगेट कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, वो आपकी लाइफ को चेंज करता है। जैसे मैंने कहा और मैं भी कहूँ तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग चेंज हो जाना था, मैंने जैसे कहा